आएगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। चाय की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। आम आदमी पार्टी के लिए जश्न मनाने का मौका काफी समय बाद आया है। ये दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहाँ तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर जश्न मनाया गया। मनीष सिसोदिया को शराब नीति केस में पिछले साल 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और फिर 9 मार्च 2023 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो करीब 17 महीने से जेल में बंद थे। तमाम आरोपों के बीच उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 17 महीने से कोर्ट टू कोर्ट ठोकर खाने के बाद मनीष सिसोदिया को अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के दोनों केसेस में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस में अब तक 400 से ज़्यादा गवाहों और हजारों दस्तावेजों को पेश किया जा चुका है। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। स्वतंत्रता के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी का पाठ ही पढ़ाकर फैसला सुनाया है। मनीष सिसोदिया के वकील के मुताबिक जमानत का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को भी फटकार लगाई। बताया गया कि ईडी ने कहा था कि सिसोदिया का पूरा केस 6 से 8 महीने में खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और निचली अदालतों ने भी ट्रायल में हो रही देरी पर ध्यान नहीं दिया। 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम राहत तो दे दी है, लेकिन ये राहत 3 शर्तों के साथ मिली है। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया को इन 3 शर्तों को सिराखों पर रखना होगा और पालन करना होगा। शर्त अनुसार सिसोदिया को ईडी और सीबीआई मामले में 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। साथ ही हफ्ते में 2 बार सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है कि वो जमानत के दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश भी नहीं की जाएगी। 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, वहीं जमानत की खबर आते ही सबसे पहला रिएक्शन दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का आया। अपनी बात रखते रखते वो काफी ज्यादा भावुक हो गईं। आतिशी ने कहा कि सिसोदिया को जमानत मिलना सत्य की जीत है। भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, असच्चाई की जीत हुई। सिसोदिया को जमानत मिलने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आया। उन्होंने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जल्द ही न्याय मिलेगा। मैं उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। उधर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जमानत मिलने का मतलब बरी होना नहीं होता है। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, आम आदमी पार्टी के लिए जश्न मनाने का मौका काफी समय बाद आया है। दिल्ली की ही राजनीति देखें तो पार्टी के लिए मुश्किलें काफी थीं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथ दिल्ली की एक भी सीट नहीं लगी। वहीं जब दिल्ली में पानी की किल्लत हुई तो आतिशी को धरने पर बैठना पड़ा। उसके कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में ऐसी बारिश हुई कि दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो गईं। इस सब के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब भी जेल में बंद हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया के पक्ष में आए एक फैसले ने पार्टी का जोश काफी हाई कर दिया है। सिसोदिया को मिली जमानत पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।